हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद एसएम। आज हम बनाएंगे फ्रूट ट्रफल, तो आइए शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने ना ये 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है। सिर्फ इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस और 1 टेबल स्पून शुगर का डाला है, पाउडर शुगर का, ठीक है। ये थोड़े से चॉकलेट के पीसेस हैं जिनको हमने क्रश कर लिया है। ये थोड़े से काजू बादाम है यानी कि ड्राई फ्रूट, और ये थोड़े से चोको चिप्स हैं। ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं हर चीज़ में डालती हूँ। ये हमने बनाना लिया है, इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये हमने कस्टर्ड बनाया हुआ है और ये हमारी जेली है जिसको हमने जमा के छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। फ्रूट केक है, ये हमने मार्केट से मंगाया है, आप चाहें तो घर पर भी बना सकती हैं। ये फ्रूट फ्लेवर्स और बहुत सारे फ्लेवर्स में मार्केट में आपको अवेलेबल है। और ये हमारा फ्रूट का कैन है जो आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए हम इसकी लेयरिंग करते हैं। इसके लिए हमने ये पॉट लिया है। पहले हम अपना कैन ओपन करेंगे। ये हमने अपना कैन ओपन किया है और अब हम इसमें अपने केक की लेयरिंग करेंगे और उसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे और अपने बाउल के चारों तरफ हम थोड़ी सी ऐसे करके जैली स्पंकल कर देंगे। छोटे छोटे से टुकड़े में आप रख दें। आप अपने पसंद की कोई भी फ्लेवर जेली ले सकते हैं। हमने स्ट्रॉबेरी ली है, आप इसमें अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब ये हमारा जो फ्रूट कैन था, हम इसी में से शुगर सिरप लेंगे और हम अपने केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं डाल देंगे कि थोड़ा सा ये सोगी हो जाए। ठीक है, अब हम इस पर बनाना डालेंगे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा। ये आप इस पर बनाना डाल दीजिए ऐसे, और हम थोड़ा सा अपना फ्रूट कैन से फ्रूट लेंगे। फ्रूट कैन में ये होता है कि आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि जो फ्रूट अवेलेबल भी नहीं होता मार्केट में वो भी आपको फ्रूट कैन में इजीली मिल जाता है। अब हम इसके ऊपर अपनी कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। ऊपर हम थोड़ी सी अपनी क्रीम लगाएंगे, इसको हम अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे। ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अपने और हम फिर सेकेंड लेयरिंग करेंगे इस पर। सबसे पहले हम ये केक डालेंगे। अभी हमारी सेकेंड लेयरिंग हो गई है, अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। देखिए हमारा फ्रूट ट्रफल तैयार है। बहुत सिंपल रेसिपी, कोई गेस्ट आ रहे हैं फटाफट बनाइए और उनके सामने रखिए, उनको भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा, बनाइएगा ज़रूर। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।